छतरपुर में अपराधियों के आशियानों पर प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अपराधियों का भय खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें दर्जन भर अपराध के आरोपी संतोष वाल्मीकि और उसके भाई भजीजा के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। छतरपुर में अपराधियों के हौसलों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके तहत कोतवाली में दर्जन भर अपराध के आरोपी संतोष वाल्मीकि और उसके भाई भजीजा के मकान को तोड़ दिया गया। गौरतलब है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि गुंडे और बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में प्रशासन बदमाशों के अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये कार्रवाई कलेक्टर शीलेन सिंह और पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के निर्देश पर महोबा रोड और सोरा रोड में बने अपराधियों के अवैध मकानों पर की गई। शासन के निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, और उसे ध्यान में रखते हुए आज छतरपुर अनुभाग के अंतर्गत संतोष कुमार सुदामा और मनोज कुंडे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनका जो अतिक्रमण में मकान बनाया गया था उसे ढहाया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।